जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम पढ़ते हैं ईडी। ईडी मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पहले लेक्चर में हम उसके सिलेबस के बारे में बता दिए थे। आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, लेटर राइटिंग। पहला आपका क्या है? लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग मतलब क्या होती है, हिंदी में इसको समझा जाता है। हिंदी में क्या है इसका, इसको हिंदी में कहते हैं अक्षर लेखन। इसका हिंदी मतलब क्या है, अक्षर लेखन होती है। अब लेटर मतलब ये होती है ए से जेड तक, ए से जेड तक जितने भी वर्ड हैं वह सब आपको लेटर राइटिंग में आएंगे। जैसे कि हमको कुछ वर्ड लिखना हो तो ए से जेड तक वर्डों को मिलाकर लिखा जाता है। लेकिन जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग मतलब क्या होता है, उसका कुछ पैमाना होता है, पैमाने के माध्यम से हम उस अक्षर को कैसे लिखें इसमें पढ़ा जाएगा। किस लेटर का कितना साइज होती है, कितने एमएम में होती है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन ये सब जानने से पहले हम इसको जानते हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग यानी अब हम पढ़ा जाए यानी लेटर। लेटर क्या होती है, अक्षर। ये कितने प्रकार इसके टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार, ये बुक में दिया नहीं होगा लेकिन आपको जानकारी बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ही जरूरी होती हैं सीखने के लिए। ठीक, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है, सिंगल स्ट्रोक, और दूसरा क्या होती है आपकी, पहला क्या होती है सिंगल स्ट्रोक और दूसरा क्या होती है डबल डबल स्टोक। ठीक, अब हिंदी मीडियम वाले को बता देते हैं, सिंगल स्ट्रोक मतलब होती है आपकी एक घातीय। सिंगल मतलब क्या होती है, एक, और स्ट्रोक मतलब घातीय। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, द्विघाती। ठीक, अब देखिए सिंगल स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रोक में आपका दो टाइप्स होते हैं और ये होती है डबल स्ट्रोक। डबल स्ट्रोक में आपको क्या किस तरह लिखा जाता है, सिंगल स्ट्रोक में आप लिखेंगे ए बी सी। अब इसी को हम डबल स्ट्रोक में लिखा जाता है, तो मान लीजिए डबल स्ट्रोक में लिखेंगे ए, सी को इस तरह भी बना सकते हैं सी भी। ये सब क्या है, डबल स्ट्रोक। ये क्या है, सिंगल स्ट्रोक। ये क्या होती है, ये डबल स्ट्रोक आपको पढ़ना नहीं रहता है, ये आपको नहीं पढ़ना रहता है। ठीक, बात करते हैं सिंगल स्ट्रोक में पढ़ना रहता है। सिंगल स्ट्रोक में आपकी क्या होती है, ये इसमें होती है आपकी कैपिटल और स्मॉल। ये कितने टाइप्स होते हैं, पहला क्या होती है आपकी कैपिटल, दूसरा क्या होती है स्मॉल। ठीक, कैपिटल मतलब क्या होती है, बड़ा होती है। स्मॉल मतलब छोटा। इसको लिखा कैसे जाता है कैपिटल में, ए बी सी, स्मॉल में। लेकिन आपको एग्जाम में हमेशा कैपिटल लेटर में ही पूछता है। ठीक, कैपिटल लेटर में ही पूछेगा, इसको किसी भी सेंटेंस को लिख कर दे देगा, कहेगा कि 10 mm में इसको लिखिए। हर साल आपका ये कितने नंबर में आता है, 8 नंबर, 8 मार्क्स का होती है ये हमेशा।
आठ नंबर सात नंबर से कम नहीं आएगी, हमेशा आठ नंबर में आपको लिखने के लिए आएगा। ठीक, अब बात करते हैं कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में भी किस तरह लिखा जाता है, कैपिटल लेटर की बात किया जाए कैपिटल लेटर में भी आपको दो पहला क्या होती है आपकी वर्टिकल होती है, दूसरा क्या होती है आपका वर्टिकल होती है, दूसरा क्या होती है इंक्लाइन होती है, इंक्लाइन। ठीक, अब वर्टिकल मतलब क्या होती है आपकी, वर्टिकल मतलब सीधी। ठीक, यानी इसका जो एंगल होती है वो 19 डिग्री होती है। इंक्लाइन मतलब क्या होती है, इसका जो एंगल होगी, सॉरी इसका एंगल होगी 75, इस एंगल में लिखा जाता है। पहले वर्टिकल वाले में किस में लिखा जाता है 90 डिग्री यानी सीधी सीधी लिखा जाता है, और इंक्लाइन में 75 अंश के डिग्री पर ही लिखा जाता है। ठीक, हम आपको बताएंगे किस तरह लिखा जाता है, लिखने का तरीका भी बताएंगे आपको। ठीक, पहले ये छोटी छोटी चीज जानना बहुत जरूरी है। ठीक, ये होती है, अब देखिए अल्फाबेट में कितने वर्ड होते हैं, टोटल 26 वर्ड होते हैं। 26 वर्ड में आपका 22 जो वर्ड होती हैं इसका पैमाना सेमी होती है, बस चार वर्ड की पैमाना अलग अलग होती हैं। ठीक, ये आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ये आपका चार वर्ड कौन कौन से होते हैं, पहला आपका होता है आई जे एम डब्ल्यू, इसका रेशियो क्या होती है 7:1। ठीक, जे की रेशियो क्या होती है 7:3, एम की जो रेशियो होती है 7:5, डब्ल्यू की जो रेशियो होती है 7:5। ठीक, ये चार वर्ड जो होते हैं आई जे एम और डब्ल्यू, इन लोग का रेशियो हमेशा याद रखिएगा। मतलब 7 मतलब क्या होती है, इसके इसके बीच की हाइट 7 और यहां से यहां तक क्या है 1। ठीक, उसी तरह जे की क्या होगी, जे की यहां से यहां तक जो हाइट होती है 7 और यहां से यहां तक जो होती है 3, ये लिया जाता है। ठीक, उसी तरह M और W की, ये हमेशा याद रखिएगा। और ये जो 22 वर्ड है इनका जो रेशियो होती है सबका क्या होती है 7:4 की, इस 22 वर्ड की जो रेशियो होती है 7:4 की रेशियो की होती है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए B को लिखा जाए, देखिए कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं जिसका पैमाना इसके बराबर नहीं होते, जैसे कि बी, अब बी को लिखते हैं ध्यान से देखिएगा, ठीक ये जो आपकी हाइट है 7 है और ये जो आपकी क्या है 4 है, लेकिन ये आपकी इससे छोटी होती है, ये होती है 3×3.5 mm की। ठीक, ये पैमाना होती है, ये बी की हो गई। उसी तरह आप ई का लिया जाए, ई का भी देख लीजिए, ई को किस तरह लिखते हैं। ठीक, इसी तरह ई लिखा जाता है, देखिए इसका जो हाइट होती है आपकी 7 हो जाएगी, ये जो हाइट है आपकी कितना होगी 4, लेकिन ये बीच वाली जो हाइट है ये 3.5 होगी। ठीक, उसी तरह F का ले लीजिए, F को लिखेंगे, ये जो हाइट आपकी कितनी होगी 7, ये जो आपकी हाइट होगी 4 और ये जो होती है 3.5।
ये स्पेशल वर्ड है जो आपके कुछ मायने रखती है, 7 और 4 के रेशियो में नहीं आती है। ये देखिए, ये हाइट और ये दोनों सेम होती है, लेकिन ये बीच वाली जो लाइन होती है, बीच वाली 3.5 होती है। अब इसको लिखने का तरीका बताते हैं, किस तरह लिखा जाता है, किस तरह एग्जाम में आती है उसको लिखा जाए। ठीक, ये आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आइए उसको लिखने का तरीका बताते हैं, लेटर को किस तरह लिखा जाता है। एग्जाम में आपका क्या आ गया, 8 मार्क्स का आएगा। ठीक, अगर आप ध्यान से लिखेंगे तो आपको 8 में 8 मिल सकता है। ठीक, लिखने का तरीका, अगर आपको एग्जाम में पूछेगा 10 mm में वर्टिकली, ठीक, वर्टिकली इस सेंटेंस को लिखिए, तो 10 mm में बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक लाइन खींचेंगे और इसके बीच का कितना होनी चाहिए, 10 mm। ठीक, 10 mm होने के बाद आप उस लेटर को लिखेंगे, कोई भी मान लीजिए आपका LIF लाइफ, ठीक, आपको लाइफ ही लिखना है। ठीक, और कुछ इस तरह देता रहेगा आगे में। ठीक, अब यहां पर पहले क्या लिखेंगे, यहां से एक इमेजिनरिंग लाइन खींचेंगे, इसको कितने हाइट आपको कितना है, सबका हाइट कितना होता है, 22 वर्ड का हाइट बता दिए थे, कितना 7:4 के रेशियो में होते हैं, और जो 4 वाले वर्ड होते हैं, 4 स्पेशल वर्ड क्या होते हैं, आई होते हैं, जे होते हैं, एम होते हैं और डब्ल्यू, उसका रेशियो सबका क्या होता है, अलग अलग होते हैं ना, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक, अब यहां से इसको हम 7 बराबर भागों में बांट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, उसके बाद हम यहां से एक लाइन खींचेंगे, अब यहां से इसको मिलाते रहेंगे। ठीक, मिलाने के बाद इसको हम इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे, वर्ड किसको लिखना है, लैप को। तो पहले क्या है, कितना आएगा 7, यानी इसको हम कितना मान लिए हैं, 7। यहां से आप फ्री हैंड स्केल से पहले बना लीजिएगा, उसके बाद उसी पर ड्रा कर देंगे तो आपको फ्री हैंड दिखेगा, और फ्री हैंड ही लिखना है आपको, ये नहीं कि स्केल से इसको किस तरह है उसी तरह माप के लिख दें, स्केल से नहीं, फ्री हैंड ही लिखना है आपके, यहाँ पर रियल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आई, उसके बाद एफ, उसके बाद ई, इसी तरह लिखिएगा, यानी फ्री हैंड अगर आपको बनाना है तो यहां से एल हो गया आपका, आई, एफ, ई, ये कितनी हाइट होनी चाहिए आपकी, 7, और ये 4 और ये 3.5। ठीक, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, जो पार्ट आपको अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ और नए ट्रिक के साथ।